वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। फिलहाल आज मैं आ चुका हूँ टेस्ट ड्राइव लेकर के सोनेट की। सो ये रहने वाली है किया की सोनेट, और सोनेट का ये कार अभी अपन लोग लेके निकल चुके हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए। कौन सी मॉडल है ये भी हमारे भाई बताएंगे। कौन सी मॉडल है सोनेट की? ये हमारी सोनेट की STX IMT। ओके, सो ये HTX मॉडल है और IMT वाली वर्जन है। इसमें क्लच नहीं होता है, हालांकि इसमें आपको मैनुअल गियर शिफ्ट जरूर मिलता है, बट इस कार के बहुत सारी खूबियां हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग ड्राइव करके एंड आपके साथ मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक बार वॉक अराउंड देना चाहूँगा आप लोग को, तो कुछ इस तरीके का गाड़ी का लुक आता है। एक बार वॉक अराउंड ले लो। ग्रीन कलर की, ऑलिव ग्रीन कलर की गाड़ी है, और इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है और अलॉय व्हील मिल जाता है। हालांकि डुअल टोन में अलॉय व्हील ज़रूर मिलता है, लेकिन ये डायमंड कट नहीं है। मतलब दिखने में बिल्कुल लगता है ना आपको कि टॉप मॉडल की तरह ही कार है, बट मैं बता दूं कि ये टॉप मॉडल नहीं है। टॉप मॉडल से थोड़ी सी नीचे वाली वर्जन है ये गाड़ी। यहाँ पे एक बार इसको हम लोग ना की से स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो कार लॉक भी है ना, तो इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। ओके, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी जो हैंड ब्रेक है वो 7th डॉट पे होनी चाहिए, मतलब फुल इंगेज होनी चाहिए। फुल इंगेज होनी चाहिए तभी आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ओके, ओके। स्टार्ट करने के पहले प्रोसेस देख लेते हैं। गाड़ी हमारी लॉक होनी चाहिए। ओके, गाड़ी लॉक हो गई। ओके, अब इस लॉक बटन को दो बार पुश करेंगे। ओके, एक दो, और ये होल्ड बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके रखेंगे। ओह माय गॉड, गाड़ी स्टार्ट हो गई। सो ये देखो इंजन का आवाज आप लोग सुनो। सो गाड़ी ये देखो भाई, गाड़ी बाहर से ऑन हो गई भाई। अब आ जाइए, अंदर बैठ जाते हैं, आ जाइए। सो ये देखो भाई, गाड़ी फाइनली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि इसका ड्राइविंग ना आप नहीं कर सकते, इसका हैंडल लॉक हो गया, फिर से गाड़ी बंद हो गई। अब हम लोग बैठते हैं और चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। इसका सबसे यूनिक फीचर था जो कि मैंने भी बता दिया। सो खैर, इसमें क्लच नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिंपली इसको आराम से पुश करना है, जैसे ऑटोमेटिक कार्स या फिर मैनुअल कार्स में आप गियर शिफ्ट करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी शिफ्ट होगी। बस फर्क ये कि इसमें क्लच नहीं, आपका ये वाला पैर ना साइड में पड़ा रहेगा। सो आज हम लोग लेके निकल चुके हैं इस प्यारी सी कार को चलाने के लिए। सो ये अभी सेकेंड गियर, थर्ड गियर। हालांकि मैं अभी इसको ट्रैफिक में भी मैंने इसको ड्राइव किया, तो मैं बता रहा हूँ सिटी ड्राइव के लिए बहुत अच्छी, बहुत प्यारी कार है, और फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं आपको इस कार में। काफ़ी बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं। यहाँ देखो विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। किस कंपनी का म्यूजिक सिस्टम आता है बॉस इसमें? इसमें आपको मिल जाएगी आर्किमिस की, पावर्ड बाय हार्मन कार्डन। अच्छा, तो हार्मन कार्डन के थ्रू पावर्ड है इसका म्यूजिक सिस्टम। काफी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। आप लोगों को म्यूजिक सिस्टम का मतलब पूरा मुआवजा ना लेना है ना भाई, तो आप जा करके ले। ये देखो मैं अभी यहाँ 64-65 हूँ, सामने वहां पे स्पीड वाला चालान वाला वैन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 80 के ऊपर रहोगे ना भाई, तो आपका स्पीड चालान होना एकदम पक्का है। और मुझे ऑलमोस्ट पता था कि ये लोग यहाँ छिप के गाड़ी लगा रखे होंगे। सो अगर आप लोग भी अपने सिटी में चला रहे हो किसी भी ब्रिज वगैरह पे, थोड़ा सावधान रहो भाई और ज्यादा ओवर स्पीडिंग मत करो। हालांकि मैं तो भी टेस्ट ड्राइव पाया हूँ, मुझे करना है, लेकिन आगे चल के करेंगे। गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाता है, और अगर मत खोल भाई, खोल ही मत, बहुत धूप है। तो यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाता है। अगर टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें भी तुम लोग को सनरूफ ऐसा ही मिलेगा। बिल्कुल, इसको स्काईलाइट सनरूफ बोलते हैं। ओके, इसको स्काईलाइट सनरूफ बोलते हैं, और सनरूफ मिल जा रहा है, काफी कंफर्टेबल सीट्स मिल जा रहे हैं, लेदर के इतने अच्छे सीट्स, आर्मरेस्ट मिल जा रहा है आपको, यहाँ पे फोल्डर होल्डर वगैरह सब कुछ, काफी सारी चीजें मिल जाती है। आप लोग देख पा रहे हो काफी सारा स्पेस मिल जाता है, 3-3 चार्जिंग के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है, और काफी प्यारा सेटिंग है इसका मेरे हिसाब से। एक बार हैंडलिंग चेक करते हैं। ये लो भाई, इसको आराम से मैं भगा रहा हूँ। भाई साहब, कंट्रोल तो है इसमें, मतलब बॉडी रोल है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आपको मतलब फील हो रही होगी वीडियो देखने में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल रहा है इस कार के साथ, और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। अभी यहाँ पे मैं टर्न लूँगा आपको ना, तो टर्न लेके मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का क्या टर्निंग रेडियस है, कितने कम जगह में ये गाड़ी टर्न हो जाती है। यहाँ पे मैंने पार्किंग लाइट दिया, हालांकि अभी मैं 5th गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि एज सच कोई नीड नहीं। पर आप अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे कि जैसे मोर पे गाड़ी को मैंने ये 5th गियर में ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है भाई? गाड़ी रुक तो गई, लेकिन अब मैं एक्सेलरेट करूंगा तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। यहाँ पे आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, प्लीज शिफ्ट डाउन। अब मुझे क्या करना है? अब अगर मैं 3rd गियर पर इसको उठाना चाहता हूँ, फिर भी गाड़ी बोलेगी कि नहीं, क्योंकि स्मार्ट इंटेलिजेंस आ गया भाई साहब। आप स्मार्ट हो या मत हो, गाड़ी स्मार्ट जरूर है, और आपको बता देगी। अब सेकंड मैंने दिया, आवाज बंद हो गई, सेकंड में उठ जाएगी, इससे भली भांति फर्स्ट में उठेगी। ये देखो फर्स्ट में कोई भी सिंगल साउंड नहीं, और ये देखो तुरंत यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया। सो एक बार 0 to 100 करते हैं इसको। तो मैंने ये सेकंड दिया भाई, ये दिया मैंने थर्ड, भाई साहब
ये दिया मैंने फोर्थ गियर, ये गाड़ी 100 टच कर गई सामने स्विफ्ट। सो भाई साहब फोर्थ गियर में 100 बहुत जल्दी गाड़ी ने अचीव कर लिया। हालांकि मैंने आरपीएम पूरा नहीं खोला था, अभी अपना थोड़ा बहुत आरपीएम मैंने बाकी ही रखा था फिलहाल। अभी इसको फोर्थ गियर में मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा हूँ और ये गाड़ी गई फिफ्थ में, और अभी सिक्स गियर अपने हाथ में बची हुई है। सो ये देखो भाई साहब स्पीड अलार्म एक्टिवेट हो गया, स्टेबिलिटी है भाई गाड़ी में, इतने स्पीड में मैं चला रहा हूँ। और ये जो ब्रिज है ना, इस पर अच्छी खासी गाड़ियाँ ना डांस करते रहती है, मतलब XUV 500 से लेके XUV 700 तक, फॉर्चूनर तक, सारी गाड़ियाँ ही झूलते रहती है झूले की तरह। लेकिन ये जो गाड़ी है ना, ये झूल नहीं रही भाई साहब। इसके सॉकर्स में कुछ ना कुछ कंपनी ने बहुत अच्छा खासा सॉकर्स डाल रखा होगा भाई। सो गाइस इसके सॉकर्स की अगर बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने हिसाब से, क्योंकि भाई इस वाले ब्रिज पे ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी कार्स को ड्राइव कर रखी है भाई। इस पे आने के बाद ना सेडान्स भी मतलब भाई डांस करने लगती है बिल्कुल एसयूवीज की तरह, बट ये कार ड्राइव करते टाइम ना बहुत स्मूथली चल रही है, और स्टेयरिंग छोड़ने के बाद भी मतलब कोई ऐसा वाइब्रेशन वगैरह मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और ये गाड़ी बनी किस पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ना मैनुअल कार चलानी नहीं आती है, या फिर आती है और आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक का भी मज़ा मिले, सीधा सीधा बात है ऑटोमेटिक का भी मज़ा लेना चाहते हो मैनुअल के साथ, तो आपके लिए कार परफेक्ट है। क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग डरते हैं, हमारे पुराने ज़माने के लोग, अंकल वगैरह, पापा वगैरह, कि भाई हम लोगों ने तो मैनुअल गाड़ी चलाई है, ऑटोमेटिक फिर पसंद नहीं आता उन लोगों को। काफ़ी सारे रीजन से, काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। हालांकि आज के डेट पे मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक कार इज़ मच बेटर देन मैनुअल कार, क्योंकि अब सिटी ड्राइव करने में काफ़ी हेक्टिक लग जाता है भाई अगर आप मैनुअल कार ड्राइव कर रहे तो। बट अब जो इंटेलिजेंस आ रही है आपके कार में, जैसे मैंने आपको दिखाया ये कार, इसमें क्लच तो नहीं है, मैनुअल का भी मज़ा उठा सकते हो और ऑटोमेटिक का भी उठा सकते हो। और एक और चीज़ है ना कि भाई इसमें फोर्थ गियर में ही आप, ये देखो फोर्थ में मैं इसको 40-50 पे भी चला पा रहा हूँ साथ के साथ, फोर्थ में ही 120 तक गाड़ी चली जाती है। सो आपको मतलब उतना गियर शिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। हालांकि अगर प्योर मैनुअल कार चलाते हो तो आपको बहुत जल्दी डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट दोनों ही करना पड़ जाता है, बट वहीं इस कार में जैसा कि आप लोग अपने आप देख पा रहे हो कि भाई अभी भी फोर्थ गियर में मैं चला रहा हूँ इसको, और सेकंड गियर में भी कार उठ जाती है भाई, जीरो से उठ जाती है। तो भाई अभी इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, फिलहाल आगे से यू टर्न लेना होगा मुझे। ये देखो 30 पे कार चल रही है आराम से। तो भाई मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका जो गियर का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा है भाई, और कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक कार की तरह ही मैं इसके साथ मज़े ले रहा हूँ और चला रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे हैंडलिंग का भी रिस्पॉन्स ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होगा ना। पहले क्या था ना कि पहले के टाइम पे ना कार्स में ना सिर्फ पावर स्टीयरिंग आया करती थी और बड़ी गाड़ियों में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आया करता था, तो अभी के टाइम पे इसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग डाल दिया गया है ना। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, इसकी एक खूबी बता दीजिए जरा हमारे। सबसे पहला चीज की हमारे पास जो पहले आती थी पावर स्टीयरिंग, वो डायरेक्ट इंजन से कनेक्टेड होती थी, जिसके कारण वो इंजन से पावर लेती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्यूल एफिशिएंसी जो था वो बढ़ जाता था, उसको फ्यूल ज्यादा बर्न होता था। तो अब क्या कर दिया गया, ये जो EPS आई हमारी, इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, यानी ड्राइव करने में भी हद से ज्यादा स्मूथ और फ्यूल भी आपको आपकी बचाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दो बेनिफिट आपको मिल जाती है EPS होने पर। ये आपने एक बहुत अच्छा फीचर बताया हमारे व्यूअर्स को। सो अभी के टाइम पे, क्योंकि देखो टाइम के हिसाब से गाइज चीज़ें जो है ना बदलती है और अपग्रेड होती है, अपडेट होती है। जैसे अभी के टाइम पे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रही है या फिर जो चीज़ें आ रही है ना, वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है और सारी चीज़ें अपग्रेड होते जा रही है, तो उस हिसाब से गाड़ियों में भी तो अपग्रेड चाहिए होता है ना। तो आपको इस गाड़ी में अपग्रेड देखने को मिल जाता है गाइज। आप इस गाड़ी के साथ देख पा रहे हो कितने सारे फीचर्स वगैरह इसमें चेंज हो गए। अब जैसे मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा इसका सबसे बड़ा ये फीचर कि सपोज़ गाड़ी धूप में खड़ी है बहुत देर से, और भाई हम लोग डर जाते हैं भाई टेम्परेचर बहुत हाई होगी, भाई कैसे बैठे, तो उस टाइम पे जैसा कि भाई ने बताया, और कार में जो फीचर है आपके हैंड ब्रेक को सिर्फ आपको इंगेज करके छोड़ना है जब भी आप लास्ट पार्क करते हो कार को, और न्यूट्रल करके छोड़ना है अगर मैनुअल गाड़ी है ये वाली है तो, एंड बस कुछ नहीं, आपको बस इस तरीके से अपने की को प्रेस करके रखना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। AC ऑन रखना, पूरी मस्त गाड़ी शिमला बन जाएगी, फिर आके एंटर करना भाई, मतलब धूप का आप कोई टेंशन नहीं लेना है। बट पुराने ज़माने में क्या था ना भाई, खुद से डोर खोलो, डोर खोल के जाओ, इंतज़ार करो AC का, AC जब चिल करने लगे तब जाके फिर ग्लासेस ऊपर। हाँ तो हमारे सौरभ भाई कुछ बता रहे थे आप लोग को। हाँ तो आपको ये जो की फिक्सिंग, आपको जो इंजन को स्टार्ट करना होता है,
तो पहले क्या होती थी, सिर्फ IMT AGS या ऑटोमेटिक में ही आती थी, बट किया नहीं से मैनुअल ट्रांसमिशन में भी लॉन्च कर दिया है। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसमिशन कोई भी हो, इंजन कोई भी हो, आप गाड़ी को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। वाह, क्या फीचर है। मतलब किया ना यार, अब तो मुझे लग रहा है ना कि मारुति का पूरा मार्केट खत्म हो जाना। ऐसे तो मैं भाई ऑटोमोबाइल रिव्यू मेकर हूँ, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, कुछ देख के कुछ समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो अभी ग्रेविटी वाले पे हमने वीडियो बनाया, उसकी क्या प्राइसिंग आ रही है? उसकी प्राइसिंग आ रही है 12,24,000 ऑन रोड। भाई साहब, ऑन रोड 12 लाख के अप्रोक्स में आपको कार मिल जाती है, किया की सोनेट जैसी कार। भाई साहब, इतनी लग्जरी हाई एंड कार, इतने सारे फीचर्स के साथ, उसमें आपको अलॉय व्हील मिल जा रहा है, इसी तरीके का सेम स्क्रीन मिल जा रहा है, और क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जा रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको उस कार में देखने को मिल जाती है, और उसके बावजूद प्राइस इतना अच्छा है। भाई इस प्राइस में तो स्विफ्ट आती है भाई, तो अब भाई क्या जरूरत है स्विफ्ट वगैरह लेने की? स्विफ्ट वैगनार छोड़ो, शिफ्ट करो, अपग्रेड करो, और भाई काफी तगड़ी इंजन है इन कार्स में भाई, वो मेरे हिसाब से लग रहा है गाड़ी चलाने में भाई। और थोड़ा सा ट्रैफिक करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और ये देखो तुरंत यहाँ पे फोर्थ गियर का यहाँ पे मुझे शिफ्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑलमोस्ट इसको मैं ऑटोमेटिक कार की तरह ही मजे लेके चला रहा हूँ। बाकी गाइस, MID पे आपको TPMS वगैरह भी मिल जाता है, और अगर आप लोगों ने इसके फुल डिटेल वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करो, मैंने डाल रखा है। ये देखो यहाँ पे मुझे अब सेकंड देना है, तो खुद ही आपको भाई कार बता देगी। अगर आपको हल्का फुल्का भी चलाने आता है तो अभी के टाइम पे आप कार को ड्राइव कर सकते हो, और एक हाथ से स्टीयरिंग आराम से, एक उंगली पे आप चाहो तो कार को नचा सकते हो भाई। और भाई लुक और कलर्स तो बहुत मस्त है इस गाड़ी की, और चाहो तो भाई आप कोई से भी वेरियंट ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वर्थ इट वेरियंट जो है ना, अभी ग्रेविटी आ रही है टॉप से एक नीचे। ओके, तो ये गाड़ी जो है टॉप से एक नीचे भाई, और मुझे तो टॉप वाली मजा दे ही रही है भाई, मेरे हिसाब से काफी अच्छी गाड़ी है। वेल, कैसा लगा आप लोग को आज के वीडियो? ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि अब आगे ट्रैफिक आ गया, अब मैं इसको ड्राइव करता हूँ, थोड़ा खुद भी मजा लेता हूँ भाई। और आप लोग जाके देखो भाई, कैरेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो जाके चेकआउट करो कैसी कार है। 7-सीटर फैमिली की बहुत बेस्ट कार है अभी के टाइम पे, मुझे तो अर्टिगा से काफी अच्छी लगी भाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप लोग जाके एक बार चेकआउट करो। एंड एक और चीज भाई, थैंक्स टू अमरज्योति किया जिन्होंने मुझे ये कार अवेलेबल कराया। एंड एक और चीज, वेरी वेरी थैंक्स टू हमारे भाई जो पीछे बैठे हुए, सौरभ भारती भाई, हमारे यहाँ पे आपको शोरूम पे मिल जाएंगे। शोरूम का एक बार एड्रेस बता दीजिए। हमारे शोरूम जो है दानापुर स्टेशन से सगना मोड़ जाने वाली रास्ते में, मुस्तफापुर में आपको किरण डेंटल के बगल में मिल जाएगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, वहाँ जाना है, सौरभ भारती भाई को पकड़ लेना है, इनको पकड़ के उसके बाद मस्त डील करो। बताना चाहूंगा, अगर आप नहीं भी आ सकते, आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं गाड़ी लेकर घर पे आ जाऊँ। एक बार नंबर बोल दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9262799101, इतनी अच्छी ऑफर्स भाई कौन देता है भाई, इतनी अच्छी ऑफर्स मिल जा रही है भाई, अब क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई, ले लो, इतनी अच्छी गाड़ी आ रही है, कितने दिन पैसे बचाओगे भाई, अब तो घूम लो, बूढ़े हो जाओगे भाई बाइक चलाते चलाते, जीरो पर गाड़ी ले लो। डाउन पेमेंट आपके सिविल पे डिपेंड करता है, आप आओ, यहाँ पे बैंकर्स भी बैठे रहते हैं, SBI से लेके सारे बैंकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे भाई। नापुर का एरिया क्रॉस कर रहा हूँ, स्टेशन वाला एरिया क्रॉस कर रहा हूँ। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। इसी तरीके के मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते किसी एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर।